श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361116। एमपी में अब अपराधियों के हौसले सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। अपराधी बलात्कार और हत्या जैसे अपराध करने में जरा भी नहीं कतरा रहे। ताजा मामला सागर जिले के सुर्खी थाना अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी ढाना के ग्राम पंचायत किशनपुरा का है, जहां बीती रात एक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें पीड़िता ने किशनपुरा पंचायत के दो युवक भरत सेन और प्रीतम सेन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोपी पीड़िता के साथ 3 सालों से ब्लैकमेल कर दुष्कर्म कर रहे थे। पीड़िता ने डर के कारण ना ही कभी किसी को घर में बताया और ना ही कभी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि दोनों आरोपियों ने वीडियो बनाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मेरे साथ उन लोगों ने गलत काम किया जबरदस्ती। कौन कौन ने? प्रीतम और भरत। किस तरीके से परेशान कर रहे थे? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, जबरदस्ती घुसाए, और दोनों पति पत्नी की नींद खुल जाने के कारण उन्होंने मेरे पति को जबरदस्ती मुंह बंद कर लिया और मार जान से मारने की धमकी दी, जिसके डर से हम लोग चुप रहे। और मेरे भरत ने मेरे साथ मतलब गलत काम किया और फिर धक्का दे, मेरे भाई साहब जाग गए तो वो दोनों धक्का दे के भाग गए, जिस भागते समय भरत का मोबाइल छूट गया तो मेरे पति के पास, मैंने पति ने उठा लिया। कौन कौन थे ये दोनों जन? भरत और प्रीतम। ये कहाँ के हैं? किशनपुरा के हैं। कब से कर रहे हैं ब्लैकमेल? ब्लैक मुझे 3 साल से कर रहा है। कभी बोलते हैं तो मेरे साथ भाग चलो, मैं ये कर सब खुशी दूंगी तुझे। इसकी आपने रिपोर्ट दर्ज कब कराई? मैंने कल कराई। कहाँ पे कराई? यहीं पहले चौकी, फिर सुर्खी गए थे। दो लड़कों के नाम क्या क्या? भरत और। और वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। शुक्रवार की रात दोनों आरोपी पीड़िता के घर में घुस गए और पति के साथ मारपीट कर दुष्कर्म की घटना को एक बार फिर अंजाम दिया। हम सोते दोनों पत्नी अलग अलग उस पर पलंग पे, फिर जे शाम को 12:30 बजे रात को आए, सो इन्हें प्रीतम और भरत, सो हम लोग दोनों जने संग भागे, सो उन प्रीतम ने हमारा मुँह में रुमाल ठूस लिया, फिर कह लगे मेरे साथ गलत काम कर रहे, तब हम साहब अपनी जान बचा के हमने, सो इसके कारण से हम साहब किसी को चल जा नहीं पाए, फिर इसके बाद में फिर जी दोनों भाग गए साहब। फिर अपने परिवार वालों को नहीं मिला? मौके नहीं आने साहब, उनने बेकल लगे तुम चल जाओगे तुम जान से मार आएंगे कहीं, इसलिए डरों के मारे सर हमने अपनी जान बचाएंगे, उसके हमने जो कुछ हो रहा होने दो अपनी अपनी जान बचाए बच जाएगी, तो फिर हमने साहब ने कुछ मतलब कार्रवाई करेंगे। आपकी पत्नी के साथ हमने गलत काम? हाँ गलत काम किया। हमारे लिए उन प्रीतम ने दूर दूर से कमरे में मुँह बंद करके और मतलब छाड़ गया रहा है, हमने क्या खूब करें सो मतलब दो तीन उन्हें घुसाई मारे, हमने कि हम रोड लगे, हमने कितने भी शांति, फिर उनने मतलब कुछ नहीं किया, फिर उसके बाद फिर इनके साथ मतलब बलात्कार किया कर, मतलब करके भाग गए। फिर आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी? हाँ। पुलिस ने दोनों आरोपियों में से एक आरोपी प्रीतम सेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, वहीं दूसरा आरोपी भरत सेन अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 550, 376, 506 के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस चौकी ढाना के अंतर्गत एक महिला की शिकायत पर लिखित आवेदन पत्र पर थाना सुर्खी में दो लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है 450 376 IPC का, जिनमें से आरोपी प्रीतम सेन को गिरफ्तार कर लिया गया है, शेष एक आरोपी भरत सेन है जो फरार है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी। ढाना से लक्ष्मी नारायण पांडे के साथ राहुल सिंह हिलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।